राजस्थान के मायके से डायरी मिलने का हल्ला। बिल्डर कारोबारियों के अति गैंग से लेन देन का लेखा जोखा। उमेश पाल हत्याकांड में 50,000 के इनामी आरोपी शायस्ता परवीन की तलाश में पुलिस टीम खाक छान रही है। गुरुवार को भी पुलिस की टीम ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कहा जा रहा है कि शायस्ता के कुछ रिश्तेदारों और करीबियों को उठाकर पूछताछ की गई, मगर कोई कुछ बता नहीं सका। कहा जा रहा है कि हत्याकांड के कुछ दिन बाद फरार हुई शायस्ता ने शुरुआत में मोबाइल का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में पुलिस को इनपुट मिला था, मगर इनाम घोषित होने के बाद शायद वह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसके चलते उसके बारे में पता लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि पुलिस टीम शायस्ता के संभावित ठिकानों से लेकर उसके मायके, रिश्तेदार, करीबियों और परिचितों के घरों पर छापेमारी कर रही है। मायके से डायरी मिलने का रहा हल्ला। शायस्ता के मायके से एक डायरी मिलने का हल्ला गुरुवार को दिन भर मचा रहा। कहा गया कि पुलिस को मिली डायरी में बिल्डर कारोबारी सहित कई शख्स के नाम दर्ज है। ऐसे सभी लोगों को अतीक और उसके गैंग से लेन देन की बात भी कही जा रही है। हालांकि डायरी मिलने और उसमें दर्ज लोगों के नाम के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मुकदमे में बढ़ सकती है एसटी की धारा। उमेश पाल हत्याकांड के मुकदमे में एसटी की धारा बढ़ सकती है। उमेश पाल के परिवार वालों को एक जाति प्रमाण पत्र मिला है, जिसे जनगत जाति होने का पता चला है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उमेश की पत्नी जयापाल ने शिकायती पत्र देते हुए मुकदमे में एससी एसटी की धारा बढ़ाने की मांग की है।